हेलो एवरीबॉडी, सो टुडे इज़ द वीडियो ऑल अबाउट एफ ई लेसन 50 एंड टॉपिक नेम इज़ दिस दैट दिस दोज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज टॉपिक इज़ दिस दैट, जैसे मैंने बताया दिस दैट दिस दोज। तो यू आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग्स एंड हाउ टू यूज इट इन इंग्लिश स्पीकिंग यू आर गोइंग टू लर्न। ओके, सो फर्स्ट वॉट यू हैव टू डू इट देयर, योर फैसिलिटेटर इज विल अनाउंस यू नो जी बी सी के बारे में बताएंगे, और जो है जी बी सी के बारे में जो है लाइक हम साथ साथ हैं अटेंडेंस अपडेट करेंगे और आपको बताएंगे कि जो है हु इज रैंक वन, और आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग यू हैव टू लॉग इन डुओलिंगो, आपको डुओलिंगो लॉग इन करना है नया 25 मिनट। यू आर वर्किंग गोइंग टू वर्क 25 मिनट डुओलिंगो। आफ्टर डूइंग डुओलिंगो वर्क दैन ही इज़ गोइंग टू शेयर आवर स्टोरीज की डुओलिंगो मैंने कैसे इम्प्रूव किया था, और आपको भी बताएंगे कि आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलेंगे कि जो है लेट्स एवरीबॉडी लेट्स कम ऑन टॉपिक। सो इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस टॉपिक बाय वन शेयरिंग माय स्टोरी, देन ही विल से दैट कि हैव यू एवर पॉइंटेड आउट समथिंग यूज दिस दैट, कभी आपने भी जो है पॉइंट आउट किया है और उसका दिस और दैट का यूज किया है, देन यू बोलेंगे एवरीबॉडी लेट्स ओपन एस आर बी पार्ट ए। इस आर बी पार्ट ए में आपको जो है दिस और दिस दोस्त को जो है डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ, आप डिस्कस करोगे। दे इसमें करना क्या, दिस का प्रयोग आप इसके लिए एक चीज़ के लिए करोगे नियर के लिए, लाइक दिस इज ऑब्जेक्ट और पर्सन प्लेस के लिए भी करना है, लाइक दिस इज माई बुक, अगर बुक आपके करीब है और एक है तो आप वहाँ पर दिस लगा सकते हो। दैट का यूज तब करोगे आप, दैट इज वेरी ब्राइट, दैट मतलब कि सेम चीज़ वही है पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट के लिए, बट वन होगा, बट इसमें भी वन होगा होता है, दोनों में वन ही होता है, बट इसमें जो है दैट वाले में फार होता है, मतलब कि फार, और इसको पास्ट टेंस में भी करते हैं, जैसे दैट वाज वेरी बैड डे। तो एक चीज़ के लिए करोगे फार, दो जैसे कि दैट इज ट्री या दैट इज दैट स्टार इज वेरी ब्राइट, यहाँ पर लिखा भी है। दो दीज का कब करोगे, प्लूरल के लिए करोगे, फर्स्ट प्लूरल मतलब कई होंगे, मेनी दो से अधिक, एंड सेकेंड नियर, नियर के लिए करोगे, देखिए दीज आर द लैपटॉप्स दीज आर माई बुक्स, इस तरीके से दोष के लिए दूर के लिए करोगे, मेनी के लिए प्लूरल, इसमें दोनों प्लूरल होगा बट इसमें दोष मतलब दोष दो स्टार आर वेरी ब्राइट, मतलब दो स्टार दूर है ना, इस तरीके से आप उसको आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो। दैन आप बोलेंगे प्लीज़ कंप्लीट इट फिल एस आर बी पार्ट बी, एस आर बी पार्ट बी आपको फिल करना होगा। तो कैसे फिल करोगे, देन ही इज़ गोइंग टू बी यू हैव टू कम्प्लीट इट दिस पार्ट पार्ट बी, आपको पार्ट बी कम्प्लीट करना होगा। प्लीज़ ब्रिंग फैन क्लोज टू मी, मतलब दूर होगा तो क्या, अभी क्या है दूर है तो आप क्या लगाओगे दैट प्लीज दैट, एंड दिस प्लेस इज नियर बाई मी, ऑल ऑफ द काइट्स इन द स्काई आई लाइक, ऑल ऑफ द काइट्स इन द स्काई आई लाइक दैट वन, आप दैट वन में बोलोगे क्योंकि एक चीज़ की बात करें, एंड इस तरीके से कंप्लीट करोगे दैट वॉज दैट लगाओगे दैट वॉज इन द फुल डे, एंड प्लीज़ ब्रिंग दोज होगा दोज वाइज, एंड प्लेसेस में क्या करोगे प्लीज़ दिस प्लेसेस यहाँ पर क्या लगाओगे दोज प्लेसेस इन मूवी वर स्प्लेंडेड, दोज लगाओगे या दीज प्लेसेस मूवी वर इन द स्प्लेंडेड, यहाँ पर आप लगाओगे दोस्त क्योंकि वर है ना दोज लगाओगे, और आप द काइट्स आई लाइक दोज टू ऑल ऑफ आई लाइक दीज दीज बगल में है तो आपके पास में तो दीज लगाओगे, इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे। दीज आर डिफिकल्ट डेज, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ओके एवरीबॉडी, देन वी गोइंग टू से दैट लेट्स प्ले वन एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी नेम इज हॉट पोटैटो, जो हमने हॉट पोटैटो की तरह है, आपको करना क्या है इसमें जो है फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक दिया जाएगा, जैसे फूड पेट्स सोशल मीडिया और ट्रैवल के ऊपर टॉपिक दिया जाएगा, और आपको हॉट पोटैटो दिया जाएगा, मतलब हॉट पोटैटो मतलब जो बॉल होगा बॉल दिया जाएगा, और आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, किसी को एक टॉपिक दे दिया गया लाइक फूड, हमको फूड के बारे में तीन चीज़ें बताना होगा, क्रेजी पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो क्रेजी हो गया तो उनको वर्ड क्रेजी बताना होगा, लाइक कि मैंने बोला कि फूड के बारे में, तो उन्होंने बोला वंस आई एट होल पिज्ज़ा माई सेल्फ, तो क्रेजी वर्ड हो गया। अगर मैंने बोला कि पॉजिटिव वर्ड बोलना है तो आपको बोलना है कि माय फेवरेट
रेस्टोरेंट इज़ फेवरेट रेस्टोरा इज़ कोई फेवरेट बोलेंगे गैलेक्सी, इस तरीके से आप ले सकते हो। अगर नेगेटिव बोलेंगे आई नेवर ईट चाइनीज़ फूड, इसे अगर नेगेटिव आपको बोलना होगा। देन यू आर गोइंग टू वॉच वन वीडियो, वीडियो वॉच करने के बाद क्वेश्चन पूछेंगे आपके फैसिलिटेटर। क्वेश्चन होगा इन दैट वेज स्टोरी इंस्पायर टू हाउ टू लर्न न्यू लैंग्वेज, देन यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, एंड उसके बाद जो है प्रैक्टिस करना होगा दिस दैट दिस दोज का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके फैसिलिटेटर पूछने वाले हैं, मतलब लिखेंगे वर्ड बोर्ड, आपको दिस दैट दिस का यूज करना है। लाइक वी आर गोइंग टू प्ले, तो इसके बाद आपको क्या लगाना है, दिस क्रिकेट दिस मॉर्निंग, वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट दिस मॉर्निंग। शैल आई वेंट वियर दिस शू, ये क्वेश्चन है। दैट वन क्या होगा, दैट वन दूसरे में दैट वन होगा, तीसरे में वहाँ पर होगा कैन आई हैव ए बुक एट, कैन आई हैव ए बुक दोज ट्राउजर, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। इसका मैं भेज दूंगा क्वेश्चन और उसका आंसर भी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप जाके वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के आपको टॉपिक जो है समाप्त होगा। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।